नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपलसी पेट एग्जाम 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 19वां लेकर आया हूं और इसके पहले दोस्तों 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप पेट एग्जाम 2023 में एक बेहतर स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन सभी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अच्छी तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, आप लोग प्रैक्टिस सेट के अंत तक आपको बने रहना है और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला यहाँ पर है भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, खारवेल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो राइट आंसर यहां पर देना है, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा तांबा, कांस व टिन के बने होते थे। क्वेश्चन नंबर अगला है थर्ड, यहां पर किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएँ अत्यधिक विकसित हुई? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का यहाँ पर थर्ड, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों फाइव, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, चंपारण, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला सेवन है यहाँ पर, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर अगला एट है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का सेकेंड विकल्प, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर अगला नाइन है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर अगला टेन है, 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। अगला टॉपिक है दोस्तों भूगोल से संबंधित क्वेश्चन नंबर इलेवन है, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिस या स्टेपिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है यहाँ पर, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया आयन मंडल, ऑप्शन सेकंड है क्षोभ मंडल, ऑप्शन थर्ड है समताप मंडल, ऑप्शन फोर है ओजोन मंडल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, इसका सही जवाब बनेगा। क्षोभ मंडल मानव के लिए सभी परतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो मानव पर प्रभाव डालती हैं इसी परत में होती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड है असम, थर्ड नागालैंड, ऑप्शन फोर है मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आप दे सकते हैं, तो राइट आंसर जो बनेगा अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश या भारत का सबसे पूर्वी भाग का राज्य है और इस राज्य के उत्तर में तिब्बत और चीन, दक्षिण में नागालैंड और असम, पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में भूटान स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर अगला 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथू ला दर्रा के पार है, आपको बताना है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फोर, चीन इसका सही जवाब बनेगा। नाथुला दर्रा के दूसरी तरफ चीन है, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य के डोगेक्या सेडी में स्थित है और दार्जिलिंग तथा चुम्बो घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे में है। क्वेश्चन नंबर अगला 15, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन नंबर 16 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 17, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय योजना 1966 से 1971, जो कि सही नहीं है,
तृतीय योजना की समयावधि जो थी 1961 से 1966, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे दोस्तों, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस के वितरण से। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे 19 है दोस्तों, उपभोक्ता को मूल्य वर्धित कर वैट के कैसे लाभ पहुँचाता है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इससे कर पर कर नहीं लगता और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 20 है दोस्तों, भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमिकीकरण कब हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1957 में, 1 अप्रैल 1957 से भारत सरकार ने छोटी मुद्राओं के संदर्भ में चौका प्रणाली के स्थान पर दशमिक प्रणाली को अपनाया। चौका प्रणाली में रुपया आना पाई का प्रयोग होता था और दशमिक मुद्रा प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें सभी प्रमाणिक सिक्के 10 के गुणांक में होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन नंबर है 21 यहाँ पे दोस्तों, भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या थी, इनमें से आपको बताना है कितनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 299। भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या 299 थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा मौलिक अधिकार है जो विदेशियों को भी प्राप्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 23 है दोस्तों, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप बता सकते हैं इस दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही विकल्प क्या बनेगा। तो सही विकल्प हो जाएगा राजनीति के निदेशक तत्व, इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 24, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत बनाई गई विधि द्वारा संसद कर्तव्यों के उचित निर्वहन सुनिश्चित करने और अनुशासन के रखरखाव के लिए भारतीय बलों और पुलिस के सदस्यों के मौलिक अधिकार को सीमित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली भारत के राज्य राजस्थान ने सबसे पहले लागू की और पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959, आप लोग ध्यान रखिएगा 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे 26, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर आप दीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड विकल्प, माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर अगला 27 है, ब्रेक के आकार की द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है द्विबीजी पादपों में, सेकेंड है एकबीजी पादपों में, थर्ड है उपर्युक्त दोनों में, फोर है शैवाल और काई। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, द्विबीजी पादपों में, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 28, नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर ईस्ट मिलाने का कारण क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला 29 है, संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन और इसके आसपास का वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है या कम हो जाता है या स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर 30 है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई इनमें से आपको बतानी है कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4N/C, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन सामान्य हिंदी से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं जिनमें 3-3 शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न है उसे बतलाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 36 देखेंगे, तो इसका आपको राइट आंसर देना है 36 का। तो 36 क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 4, इसका सही जवाब हो जाएगा अन्य आदमी, इसका सही जवाब हो जाएगा परलोक
परलोक, स्वर्ग आदि और अन्य लोक पर्यायवाची हैं, जबकि अन्य आदमी भिन्न दिया गया है। ऑप्शन फोर विकल्प सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 37 है, विकर्षण का विलोम शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो विकर्षण का विलोम आकर्षण होता है, विकल्प सेकंड सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निर्देश वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसके लिए आपको एक शब्द में आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का सेकंड, अविभाज्य, इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 39 है, यद्यपि में कौन सी संधि है। तो यद्यपि में संधि आपको बताना है। तो यदि धन अभी बराबर यद्यपि होता है और इसमें यण स्वर संधि है दोस्तों। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है यहाँ पे दोस्तों, अपना हाथ जगन्नाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सही लोकोक्ति यहाँ पर कौन सी दी गई है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड हो जाएगा, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सामान्य अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 41 है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, थो द पॉइंट्स रेज बाई द स्टूडेंट्स अपियर टू बी रेशनल, यहाँ पे आपको फिल करना है, डेट द स्कूल विल नॉट एक्सेप्ट देम नाउ। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको यहाँ पर फिल करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आई एम अफ्रेड, यहाँ पर आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर अगला 42 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच सेंटेंस हैज फोर पार्ट्स, मार्क पी क्यू आर एंड एस, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विद द एरर एज यू आंसर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर एस एज योर आंसर। तो वी आर लिव इन दिस पी बिग हाउस विच क्यों है हैज बिल्ट बाय माय फादर अबाउट 50 इयर्स एगो, तो आर नो एरर। तो यहां पर आपको सही आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड आर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पास्ट सिंपल यानी वाज बुल्ट बाई माई फादर का प्रयोग होगा, वाक्य से भूतकाल स्पष्ट है, तो यहाँ पे सही जवाब थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर अगला डायरेक्शंस दिया गया है 43 से 45, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो नीचे पैसेज दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पर, What does this refer in the last sentence of the passage? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से थर्ड हो जाएगा, द क्लेम कंसर्निंग द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द इनहैबिटेंट्स। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, What is the causing soil erosion in the game reserve? तो राइट आंसर बनेगा विकल्प सेकेंड, द डिसअपियरेंस ऑफ वेजिटेशन विच इज ईटन बाई द एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर अगला 45 है, व्हाट माई बी द एटीट्यूड ऑफ द एनिमल्स इन दिस रिजर्व इन जनरल इन ए फ्यू ईयर्स टाइम्स। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, दे मे बिकम ए न्यूसेंस इन वेरियस वेज। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है दोस्तों, करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस आईआईटी द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको राइट आंसर देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, आईआईटी मद्रास, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 52, भारत ने किस देश में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। तो राइट आंसर देना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, सूडान। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 53, विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर अगला 54 है यहाँ पर, किस देश में मशीन कौन सी 2023 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 54 का सेकेंड, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 55, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, आपको यहाँ पर बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का फर्स्ट, 38वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर अगला 56 है, आरबीआई के आंकड़े के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरी साल बाजार उधारी में सबसे ऊपर रहा है। तो राइट आंसर बनेगा तमिलनाडु, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला 57 है, किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, एलेसेंड्रा कोराप। क्वेश्चन नंबर अगला 58 है, किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैक्सेसे पुरस्कार मिला है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आप बता सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर अगला 59 है, प्रोजेक्ट संजय के तहत कौन सा संगठन तकनीक आधारित परियोजनाओं पर काम कर रहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस क्वेश्चन को रख लीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का, फर्स्ट हो जाएगा KL राहुल, इस क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य जागरूकता से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य इनमें से कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 61 का, सेकेंड हो जाएगा लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो है लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर अगला 62, राउफ यहाँ पे आपको फिल करना है, किस राज्य का एक लोकनृत्य है? हरियाणा का है, पंजाब का है, या राजस्थान का है, या जम्मू और कश्मीर का है? तो राइट आंसर हो जाएगा राउफ, कश्मीर घाटी में महिलाओं के द्वारा किया गया एक लोकनृत्य है, और इस लोकनृत्य में रंगीन वेशभूषा में महिलाएं दो पंक्तियां बनाती हैं और एक दूसरे के सामने खड़ी होकर नृत्य करती हैं, और इसमें मुख्य रूप से पैरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में चक्री भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर अगला 63 है, त्योसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्रदान करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एकदम से नए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखते चलिए और हल करते चलिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 64, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पोंग डैम, सेकेंड है उकाई डैम, तीसरा है धारोई डैम, ऑप्शन फोर है टिहरी डैम। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, पोंग डैम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 65 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो नहीं लगती है कौन सा इसमें राज्य है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का, सेकेंड हो जाएगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर अगला 66 है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली महाराष्ट्र और किसके बीच स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, गुजरात, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 67 है, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर गणित, इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थव्यवस्था और शारीरिक विज्ञान और चिकित्सा श्रेणी में प्रदान किया जाता है, गणित इस सूची में शामिल नहीं है। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुरूप 1895 में 5 नोबेल पुरस्कार स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला 68 है, यहाँ पे फिल करना है, उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो बनेगा थर्ड, छऊ इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है 69, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, चार्ल्स डार्विन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के वैज्ञानिक पुस्तक का नाम है जो 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 70, दाची ग्राम अभ्यारण कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जिसे दाची ग्राम अभ्यारण के रूप में भी जाना जाता है, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है अपडित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से संबंधित, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर निर्देश दिया गया 71 से 75, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया, ऐसा पढ़ लीजिए। अंत में मैंने कहा भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक
शिक्षा का रूप ही बदल जाए, कायापलट ही हो जाए, लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज वह पहले नहीं थी, सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है। ना आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरत नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपक लाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वालों को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक ना बन जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है, आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, जिसके दिल में लगन होती है। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं यह कथन है किस प्रकार का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, उपर्युक्त अनुच्छेद में सूरत का अर्थ आपको बताना है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्थिति। क्वेश्चन नंबर 74, लेखक का क्या उद्देश्य है। तो लेखक का उद्देश्य है लोग प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर अगला 75, सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं, प्रयोग की सफलता के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर निर्देश दिया गया 76 से 80 तक, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस गद्यांश को भी आप लोग पढ़ लीजिए, इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। मैंने कहा आज आप केवल छमाही और सालाना परीक्षा लेते हैं, इसके बदले मासिक परीक्षा लेना शुरू कीजिए। यदि विद्यार्थी के लिए परीक्षा की कसौटी पर कसा जाना आवश्यक ही है तो परीक्षा का जितना विशेष परिचय उसे होगा उसका त्रास उतना ही घटेगा। अति परिचय से त्रास भी सहन करने योग्य बन जाता है दूसरे काम कमजोर विद्यार्थियों को जगाने के लिए तथा उनकी कमजोरी का ठीक पता लगाने के लिए ली जाए। तीसरे, जिन विद्यार्थियों को विश्वास हो कि वे अपने विषय को जानते हैं उन्हें परीक्षा से मुक्त रखा जाए। विद्यार्थी स्वेच्छा से अपनी कमजोरी की जाँच के लिए परीक्षा दें और उन्हें समझा जाए कि जो अपनी कमजोरी की जाँच नहीं करेगा उसे कमजोरी दूर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। परीक्षा उन्हीं विषयों की ली जाए जो परीक्षा द्वारा जाँचे जा सकते हैं, बाकी विषयों को परीक्षा से मुक्त रखा जाए और परीक्षा का बस समय विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता भी दे दी जाए। हम उनसे कह दें कि जो भी चीज़ याद ना हो उसे पुस्तक में देख लें और फिर जवाब दें, जो जवानी कह ना सकें वे किताब में से देखकर समझाएं। जवाब देते समय विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक का कैसा उपयोग करता है इसी में तो उसकी परीक्षा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 है, अति परिचय से त्रास भी सहन करने योग्य बन जाता है, वाक्य का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बार बार परिचय से डर दूर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 77 है, परीक्षा का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर बनेगा, बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना ताकि उन्हें दूर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 78 है, लेखक परीक्षा के प्रति उदारवादी और व्यापक दृष्टिकोण रखता है यह अनुच्छेद के किस वाक्य से पता चलता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर अगला 79 है, लेखक पाठ्य पुस्तकें देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता की बात करता है क्योंकि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 4 हो जाएगा। इससे बच्चों की इस कुशलता और समझ का पता चलता है कि वे पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों इस क्लास के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया है, प्रैक्टिस सेट 19 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।